अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सेलिब्रिटी हिस्टोरिया। यूँ तो पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स पूरी दुनिया में किसी की सानी नहीं रखते, अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स बड़े बड़े प्लेयर्स को मैदान में टिकने नहीं देते। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर सुपरस्टार हसन अली के बारे में बात करेंगे, जिनकी ज़बरदस्त बॉलिंग से बैट्समैन घबराते हैं। आज हम बात करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और क्रिकेट करियर के बारे में कि कैसे उन्होंने जदोजहद की और अपनी इंथिक मेहनत से क्रिकेट करियर का आगाज़ किया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, अगर हम हसन अली की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हसन अली अब्दुल अज़ीज़ के बेटे हैं, जिन्हें हसन अली अपनी इंस्पिरेशन का ज़रिया मानते हैं। इनके फैमिली ने इनको क्रिकेट खेलने के लिए बचपन से ही बहुत इनक्रेज किया। हसन अली 2 जुलाई 1994 में मंडी बहावुद्दीन पाकिस्तान में पैदा हुए। अब इनकी उम्र 25 साल है। इनका बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म मीडियम फास्ट है और बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड है। इनके कोच अता उर रहमान, जिन्होंने बचपन से ही इनको ट्रेन किया, हसन अली इनको अपना मेंटोर मानते हैं। इसके साथ साथ हसन अली बेस्ट बॉलर वकार यूनिस की बॉलिंग से बहुत मुतासिर थे, उनके बॉलिंग स्टाइल को देखकर अपनी प्रैक्टिस करते थे। व्यूवर्स, अगर हम हसन अली के क्रिकेट करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट से किया। उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू सियालकोट रीजन के लिए अक्टूबर 2013 में किया। इसी तरह इनकी मेहनत के नतीजे में PSL में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इन्हें एमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की टीम में शामिल किया गया। इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के खिलाफ डेब्यू किया और सेकेंड हाइएस्ट 11 मैचेस में 12 विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी बने और साल 2019 में PSL में सबसे ज़्यादा 13 मैचेस में 25 विकेट्स हासिल करके बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल किया। हसन अली को अगस्त 2016 में पाकिस्तान ODI स्क्वाड में इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में शामिल किया गया। इन्होंने ODI डेब्यू पाकिस्तान की तरफ से आयरलैंड के खिलाफ 18 अगस्त 2016 में किया, जहां इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। इसके बाद T20 इंटरनेशनल डेब्यू पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ 7 सितंबर 2016 में किया। हसन अली ने फर्स्ट 5 विकेट हॉल ODI ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 जनवरी 2017 में ली और अप्रैल 2017 में हसन अली को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शामिल किया गया। उन्होंने टेस्ट डेब्यू पाकिस्तान के लिए तीसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 10 मई 2017 में किया। इन मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस ने शौकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हसन अली की इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें चैंपियन ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल कर लिया। ये वही चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान सरफराज अहमद की कप्तानी में हिस्ट्री में पहली बार टूर्नामेंट जीता और फाइनल मैच में इंडिया को 180 रन से मात दी। हसन अली ने इस टूर्नामेंट में 13 विकेट्स हासिल की। हसन अली वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की। हसन अली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और गोल्डन बॉल जीती। अक्टूबर 2017 पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ ODI में 50 विकेट्स हासिल की। हसन अली साल 2017 में सबसे ज़्यादा ODI में विकेट्स हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। इसी तरह 2018 में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही, जिसकी बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हसन अली को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इनकी इंथिक मेहनत और बेहतरीन बॉलिंग की वजह से इनका नाम अप्रैल 2019 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और हम फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि माजी की तरह अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।